सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की ये वीडियो बहुत खतरनाक होने वाली है, क्योंकि गाइस आज की ये वीडियो मैं आप सबके भारी डिमांड पे बना रहा हूँ। रिसेंटली गाइस, मैंने 3 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मैंने आप सबको कायरोस की एबिलिटी और उसका एक कॉम्बिनेशन बताया था। और इस वीडियो में मैंने आपसे एक बात कहा था कि अगर आप लोग कायरोस के साथ BRA का कॉम्बिनेशन चाहते हो तो गाइस बस आपको एक कमेंट करना है। और लिटरली गाइस, आप सबने उस वीडियो में इतना भर भर के कमेंट किया है कि गाइस मैं आपको क्या ही बताऊं। तो उसी के डिमांड पे गाइस मैं आप सबके लिए BRA का बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ कायरोस के साथ। तो गाइस चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं आप सब प्यारे ऑडियंस के नाम। ओके, तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको कायरोस की एबिलिटी बता रहा हूँ। जिन लोगों को अगर कायरोस की एबिलिटी पता नहीं है तो गाइस इस वीडियो को देखने के बाद अब से वो जान जाएंगे। तो सिंपली कायरोस में 2 एबिलिटी वर्क करती है और दोनों एबिलिटी एक नंबर होने वाली है। तो कायरोस की फर्स्ट एबिलिटी है कि अगर आप लोग इसकी एबिलिटी को लेकर गेम में आओगे तो गाइस आपको हर एक सेकेंड 2-2 EP करके मिलता रहेगा, और ये EP आपको तब तक मिलता रहेगा जब तक गाइस आपका पूरा EP भर न जाए। तो गाइस ये कायरोस की फर्स्ट एबिलिटी है, और गाइस जिसकी फर्स्ट एबिलिटी में आपको अनलिमिटेड EP तक मिल सकता है। और अब इसकी सेकेंड एबिलिटी जो गाइस एक नंबर होने वाली है, और गाइस कायरोस की सेकेंड एबिलिटी हयातो को टक्कर देने वाली है। तो सिंपली कायरोस की सेकेंड एबिलिटी की जब आपका EP पूरा भर जाएगा उसके बाद कायरोस में एक अलग तरह की पावर आ जाएगी, और गाइस इसका ब्रेकर मोड ऑन हो जाएगा। और जैसे इसका ब्रेकर मोड ऑन होगा उसके बाद गाइस जब आप लोग किसी भी इनेमी के ऊपर फायरिंग करोगे तो गाइस उस इनेमी का आर्मर बहुत जल्दी पेनिट्रेट होगा। आप लोग इस बात को ऐसा समझ सकते हो कि गाइस इसके अंदर हयातो की एबिलिटी आ जाएगी, और आर्मर पेनिट्रेशन से मेरा मतलब जब आप लोग उस इनेमी को मारोगे तो गाइस उस इनेमी का जो वेस्ट हेलमेट रहेगा वो गाइस तुरंत टूट जाएगा, जिससे सामने वाले इनेमी को बहुत डैमेज पड़ेगा और वो इनेमी वहीं पर नॉक हो जाएगा। तो गाइस ये है कायरोस की एबिलिटी, और अब मैं आपको इसके साथ BRA का कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ। तो गाइस देखो, जो कॉम्बिनेशन मैं आपको बताऊंगा वो गाइस आपको BRA में हर टाइम आपका हेल्प करेगा। तो गाइस अगर आप लॉन्ग रेंज वाले प्लेयर हो, मतलब गाइस आप लॉन्ग रेंज में ज्यादा फाइट लेते हो, तो ऐसे में गाइस आप सबको केक को अपने एक्टिव स्किल में ऐड करना है। और अब आपको केक को ही क्यों ऐड करना है वो गाइस आप यहाँ पे जानो। तो गाइस हमारे फ्री फायर में जितने भी सारे कैरेक्टर है उन सब में गाइस केवल 2 ही कैरेक्टर ऐसे हैं जो गाइस EP का यूज कर सकते हैं, मतलब गाइस उनमें EP की बहुत ज्यादा नीड रहती है। अगर उनको EP नहीं मिलेगा तो गाइस वो कैरेक्टर काम ही नहीं कर पाएंगे। तो गाइस पहला हमारा के है और दूसरा हमारा ओरियन है, और गाइस बाकी के जो कैरेक्टर्स है अगर उनमें EP नहीं मिलेगी तो गाइस उनमें घंटा कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर ओरियन और केक को EP नहीं मिलेगी तो गाइस ये जिंदा मर जाएंगे। तो इसीलिए गाइस मैं आपको यहाँ पे के रिकमेंड कर रहा हूँ ताकि आप लोग EP का बहुत अच्छा यूज कर पाओ, और गाइस के से आपको इंस्टेंटली EP मिलती रहेगी। और गाइस अगर आपको कोई भी इनेमी डैमेज करेगा तो गाइस आप लोग केस से खुद को रिकवर भी कर सकते हो। और अगर आप लोग इनेमी से किसी भी तरह का फाइट लेते हो तो उसमें गाइस अगर आपका EP पूरा फुल हो जाएगा तो गाइस कायरोस का जो ब्रेकर मोड है वो गाइस अपने आप ऑन हो जाएगा, जिसके बाद अगर आप लोग किसी भी इनेमी को डैमेज करोगे तो उस इनेमी का आर्मर बहुत जल्दी पेनिट्रेट होगा, जिससे गाइस वो इनेमी जल्दी डाउन हो जाएगा, और गाइस आप लोग अपने मैच में बहुत इजीली बुया भी कर सकते हो। और गाइस के रखने से आपको एक और बेनिफिट मिलेगा। तो गाइस कभी कभी हम सबको EP की बहुत जल्दी नीड रहती है, और ऐसे में गाइस केवल 2 सेकंड में 3 EP ही देता है, लेकिन गाइस अब से कायरोस के आ जाने से आपको 2 सेकंड में 7 EP मिलेगा, और पहले 2 सेकंड में आपको केवल 3 EP ही मिलता था। तो इसमें गाइस आपको थोड़ा EP में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आप सबको अपने एक्टिव स्किल में केक को ऐड करना है। तो गाइस जब हम बात करते हैं 3 पेसिव स्किल के बारे में, और गाइस 3 पेसिव स्किल में 1 पेसिव स्किल हमारा कायरोस खुद हो जाएगा, और बचता है हमारा 2 पेसिव स्किल, और गाइस इसमें हम ऐसा कैरेक्टर को ऐड करेंगे जो गाइस आपको लास्ट तक हेल्प करता है। तो इसीलिए गाइस मैं इसके 2nd पेसिव स्किल में रख रहा हूँ मारो कैरेक्टर को। अब गाइस आपका एक डाउट होगा कि हमको मारो को यहाँ पे क्यों ऐड करना है। तो गाइस मारो की जो एबिलिटी है वो गाइस बहुत खतरनाक होने वाली है, और गाइस मारो की एबिलिटी से आप लोग इनेमी को छक्के छुड़ा सकते हो। तो गाइस सिंपली मारो की एबिलिटी की अगर आपसे इनेमी जितना दूर रहेगा उतना गाइस आपका गन का डैमेज बढ़ जाएगा। और गाइस ये मारो कैरेक्टर है गाइस स्पेशली BR रैंक के लिए बेटर है, क्योंकि गाइस BR रैंक हमारा फुल मैप होता है और उसमें गाइस इनेमी बहुत दूर दूर से फाइट करते हैं, और ऐसे में अगर आप लोग उन सब प्लेयर से अगर आपको निपटना है तो गाइस आपको मारो को रखना है, जिससे गाइस अगर इनेमी आपसे जितना दूर भागना चाहेगा उतना गाइस इनेमी को लॉस होगा, क्योंकि आपके एक गोली का फटका ही इनेमी को सुला सकता है। और तो गाइस BR रैंक में इनेमी जल्दी से क्लोज रेंज में फाइट नहीं लेते हैं, वो गाइस हमेशा दूर से ही फाइट लेने का ट्राई करते हैं, और ऐसे में अगर आपके पास मारो रहेगा तो गाइस आप लोग इनेमी को बहुत इजीली मार सकते हो मारो की हेल्प से। और अब इसके 3rd पेसिव स्किल में आपको 2 कैरेक्टर रिकमेंड करूंगा, पहला गाइस रफाइल और दूसरा जोटा। और गाइस रफाइल की हेल्प से गाइस मैंने जैसा कि आपको पहले भी कहा था कि रफाइल की हेल्प से आप लोग दूर वाले इनेमी को बिना कुछ आवाज किए मार सकते हो, और क्योंकि ये कॉम्बिनेशन लॉन्ग रेंज के लिए है तो
गाइस आपको यहाँ पे प्रोफाइल को रखना है। अगर आपका मन है तो गाइस आप लोग जोटा को भी रख सकते हो, क्योंकि गाइस जोटा की ऐप से आप लोग इंस्टेंटली एक सेकंड के अंदर 40 एचपी ले सकते हो। बस गाइस आपको किसी एक इनेमी को डाउन करना है, उसके बाद फिर गाइस आपको तुरंत 40 एचपी मिल जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, जब गाइस आप लोग बीआर रैंक खेल ही रहे हो तो गाइस उसमें आप लोग हमेशा हाई लेवल वाली गन को यूज करना, और गाइस खास करके आप लोग मार्कमैन गन को जरूर यूज करना, क्योंकि मार्कमैन गन का जो यूज होता है वो गाइस रफाल के साथ बहुत ज्यादा यूज होता है। और कभी ना कभी गाइस आपको इनेमी चुपके से मारा होगा और उस टाइम पे आप लोग इनेमी का लोकेशन फाइंड करने का ट्रैक कर रहे होगे मैप में, लेकिन गाइस आपको इनेमी का लोकेशन पता नहीं चला होगा, क्योंकि गाइस वो इनेमी लॉन्ग रेंज में होता है और गाइस वो इनेमी अपने साथ रफाइल को यूज करता है। तो गाइस आपको जैसा ठीक रहेगा गाइस आप लोग वैसा कैरेक्टर को यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। और गाइस मैंने कैरल के साथ सीएस रैंक का ऑलरेडी कॉम्बिनेशन बता रखा है, जिसमें गाइस बहुत अच्छा खासा मुझे रिस्पॉन्स मिला है, और वो कॉम्बिनेशन में गाइस आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखा तो गाइस वीडियो को देखने के बाद उसको भी एक बार वॉच जरूर कर लेना। तो गाइस इस वीडियो में बस यही, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया तो गाइस वीडियो को एक लाइक करना, और आपका मन करेगा तो गाइस सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।